गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या पावर्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। पूरी सत्ता ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैंडल करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हमारी कंट्री के लिए पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, होम पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सेट्रा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में बिल बनाते हैं और उस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट इस बिल से सहमत हो जाते हैं तो यही बिल लॉ बन जाता है। जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तैयार करते हैं। फॉरेन नेशन से कोई ट्रेड रिलेशन बनाना हो या फिर कोई पीसफुल ट्रीटी साइन करनी हो तो ये काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। ट्रीटी एक तरह का समझौता होता है दो पार्टीज के बीच, और ये समझौता रिटन फॉर्म में होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही जजेस, स्टेट के गवर्नर्स और हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं। वॉर से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेते हैं। सो गाइस, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप गाइस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।